दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। प्रकृति नेचर स्वभाव या फिर पर्सनालिटी, जी हाँ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी प्रकृति के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम दूसरों के मन के विचार या फिर प्रकृति जान ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? सोचने वाली बात। देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है फिर भी हम हमारे घर वालों को पहचान नहीं पाते। हमारे अपने बच्चे, स्पाउस, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार कई बार हमें अचंभे में डाल देते हैं। दूसरों की छोड़ो, क्या हम जान पाए हैं कि हम खुद नेक्स्ट मिनट में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या ये हमारे खुद के हाथ में है या फिर सब कुदरत के हाथ में है? क्या अपनी और दूसरों की प्रकृति को जानने का कोई आसान तरीका है? चलिए पाते हैं इसकी समझ पूज्य निरुमा से। कोशिश करने के बावजूद भी स्वभाव संस्कार निकल आते हैं, स्वभाव संस्कार निकल आते हैं। तो प्रकृति का जो स्वभाव है ना वो जाता नहीं है, उसका रूट तो रहता ही है लेकिन ज्ञान से बहुत फर्क पड़ता है। ज्ञान से क्या होता है कि उसका उसके पीछे अहंकार निकल जाता है, अहंकार निकल जाता है, क्रोध मान माया लोभ वो सब उसके पीछे से निकल जाता है। तो वही कि वही प्रकृति रहती है लेकिन इन सारी चीज़ों निकल जाने के वजह से उस सामने वाले को ये प्रकृति हर्ट नहीं करती है और हमको भी यही प्रकृति शांति देती है। प्रकृति इतनी हमको, प्रकृति या स्वभाव जो है रहता है खुद का वो इतना परेशान नहीं करता है लेकिन उसके पीछे जो अहंकार रहता है, क्रोध मान माया लोभ रहता है ना, वो परेशान करता है, उसकी वजह से परेशानियां होती हैं। यह अगर निकल जाए तो बाकी प्रकृति अपना अपना काम करती है, वो जो अपना जो काम लेकर आई है वो काम पूरा करती है और ख़त्म होती है। समझ में आया ना? आपको अपने बिजनेस करते हो आप? नहीं जी, बैंक में काम करता हूँ। बैंक में जॉब करते हो? जॉब करते हो सर? आप जॉब करते हो, पैसे कमाते हो तो उसके पीछे आप फर्ज है अपनी बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, ये सारी फर्ज अदा करने के लिए और शांति से जीने के लिए है और कुछ हमारे आत्मा के लिए भी तो करने के लिए समय रखने का है। ये सारी समझदारी से आप करते हैं, फर्ज समझ के करते हैं तो आपको जरूर ये सारा जॉब करते हुए पैसे कमाते हुए भी अंदर शांति मिलेगी और बच्चों को भी आप कुछ सुख दे सकोगे इन्हीं पैसों से। लेकिन इन पैसों के पीछे अगर आपके लोभ की वृत्ति रही तो वही आपकी प्रकृति स्वभाव आपका आपको परेशान करेगा। सारा दिन आपके दिमाग में कहाँ से पैसे कमाओ, किस तरह से कमाओ, कैसे करूँ, जॉब से अभी इतना से और ज़्यादा कमाना है तो और साइड में क्या बिजनेस करूँ, क्या करूँ, किसको करूँ, फिर इसमें से और दो नंबर, तीन नंबर, सब नंबर बढ़ते जाते हैं। हमारी भी शांति चली जाती है, घर में भी बच्चों के प्रति है, हम बिगड़ते रहते हैं, शांति शांति। तो यही चीज़ आप अगर लोभ वृत्ति अगर न रहे तो ये शांति मिलती है, आपको मिलती है, बस औरों को भी मिलती है। तो ये इसी तरह से क्रोध मान माया लोभ यह सारे पीछे हमारी जो फर्ज है, प्रकृति है, स्वभाव है, इनके पीछे ये सब बुराइयां न रहे ना तो बहुत स्मूथली जाती है लाइफ। समझ में आया ना? ऐसे होता है कि 90% भी सब मालूम है क्या क्या अंदर, मतलब जैसे आपने बताया दोष के बारे में, दोष मालूम है अंदर क्या है, सब कुछ ओवरकम भी करने की कोशिश मतलब हो जाते हैं
बट कभी कभी जैसे वो छिपकली जैसे होता है ना, मीन्स लाइक मतलब है ना, कभी कभी निकल आता है, तो वो मेरे को जरा थोड़ा कभी कभी खाता है। नहीं तो निकल आता है तो आप उसको स्टॉप करने जाओगे तो नहीं स्टॉप होगा क्या? जरूरत भी नहीं, निकल जाने दो। हाँ लेकिन अभी ये दोष किसका है और मैं कौन हूँ खुद, ये पहचाने का काम कर ले। हो मैं आत्मा हूँ और दोष जिसका है मैं वो नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? मुकेश। हाँ मुकेश का दोष है, मेरा नहीं। आत्मा का कभी दोष नहीं होता है, मुकेश का होता है। तो मुकेश का दोष हो जाने दो। अब ये जब ज्ञान पाओगे तो फिर ये ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। कहते हैं कि प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, तो ये प्रकृति है क्या? क्या हमारी प्रकृति या नेचर हम जन्म से लेकर आते हैं? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमा, मैं और मेरा दो छोटा भाई है, तो बचपन से लेकर आज तक हम देखे तो हम दोनों की प्रकृतियां बहुत भिन्न है। और उसको कैसा होता है कि कोई भी नई चीज देखी, पिक्चर में देखा सलमान खान ये बूट जूते पहने हुए है तो वही जूते चाहिए, फिर कितने 2000 का है तो वो 2000 के लेके आएगा, स्पेशल ऑर्डर से बनवाएगा। और मेरी ऐश्वर्या राय की साड़ी देख के नहीं ले आएगा नहीं जी वो उसकी बीबी के लिए लेके आएगा। तो दो प्रकृति भिन्न होने की वजह से मेरे को ये सब फिजूल खर्ची दिमाग में बैठती नहीं है कभी भी, बचपन से ही। तो हम दोनों का क्लैश बचपन से ही इसको लेके होते रहता था। मैं कभी सारे साल में एक या दो कपड़े सिलाऊं और वो साल में 6 कपड़े नए सिलवाए, और हर बार उसको लेके मेरे को कंपैरिजन होती थी कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। मैं कमाता नहीं था, मेरे पिताजी और माताजी पैसा देते थे, मगर फिर भी वो तब से लेके जो ये प्रकृति मेरी ऐसी खुली होती थी और उसकी ऐसी खुली होती थी, तो उसके कोई भी काम में मेरे को फिजूल खर्ची लगती और मैं उसको वहां ब्रेक करने के लिए ट्राई करता। तो अभी ये ज्ञान के बाद पता तो चला कि ये अंतराय गिरते हैं इससे, मगर अभी अभी भी आज भी देखे तो आज वो भी कमाता है, सब करता है, मगर आज भी प्रकृति दोनों की सेम ही रही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। और कई चीज ऐसी होती है कि जहाँ ब्रेक मारना पड़े ऐसा होता है, तो वहां किस तरह से बरतना चाहिए? अपनी उस छोटे भाई की शादी हो गई? हाँ हो गई है। तो छोड़ दे उसकी पत्नी के सर पर, वो अब उसको कंट्रोल कर लेगी। अभी आपका कहका आज तक नहीं सुना तो अभी वो क्या सुनने वाला है? बीबी बराबर उसको रास्ते पे ले आएगी। बीबी का तो उसके आगे कुछ चलता ही नहीं है, वो भी स्ट्रांग प्रकृति वाला है और खुद का जो दिल में ठाना वही करना, ऐसी उसकी प्रकृति है। तो फिर जितना आप उसको फोर्स करोगे तो उतना और बिगड़ेगा क्या? नियम क्या है? ये अहंकारी जो रहता है ना, स्वमानी रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, तो उसको वो जो करने चाहता है और आप उसका अपोज में उसको खींचते हो तो दोनों की खींच, वो रस्सी खींच के खेल रहता है ना, तो वो खेल शुरू हो जाता है। उसका अहंकार अपनी उसकी बात के लिए खींचता है और आपका अहंकार अपनी बात के लिए खींचता है, और रस्सी खींच का नतीजा क्या होता है कि टूट जाता है। वहां तक खींचो कि जहां तक न टूटे, और अंत में तो आप वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसका अहंकारी ज्यादा रहेगा, वो अपना तो छोड़ेगा ही नहीं, तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। तो जब क्योंकि आप कहाँ तक उसके साथ भेजा फोड़ी करोगे, आप थक के छोड़ दोगे लेकिन वो नहीं थकेगा, आपका अहंकार थक जाएगा लेकिन उसका नहीं थकेगा, स्ट्रांग है कहते हैं ना इस वजह से। तो फिर जब छोड़ना ही है तो आप प्रेम से छोड़ो, और ऐसा छोड़ो जैसे रस्सी खींच के खेल में एक को जिताना है और हमको हारना है, तो आप हौले हौले छोड़ो ताकि उसको एक खुशी हो जाए कि मैं मेरी ताकत से जीता है, आप तो जानते हैं कि मैंने उसको जिताया है, यानी आप हार के भी जीतोगे और वो जीत के भी हारेगा। जब तक उसको खुद को रियलाइज नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं है क्या? ये अहंकार उसको ये अहंकार की टक्कर है, अहंकार की टक्कर है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। दुनिया में देखा जाए तो कई तरह के लोग होते हैं, कोई लोभी होता है, कोई मानी होता है, तो कोई एकदम शांत प्रकृति का होता है, या फिर स्वभाव से कोई क्रोधी होता है। तो क्या ये प्रकृति बदली जा सकती है? तो दोस्तों हम कैसे व्यवहार करें कि सबके साथ अपनापन अनुभव कर सके?
चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानियों से। जो वो मेरे में दोष लिखते हैं, यहाँ मैं ऐसा ही हूँ, खराब हूँ, यूं हूँ, तो ये भी एक प्रकृति दोष है। उसके बारे में वो प्रकृति को वो छेड़ना नहीं चाहिए, प्रकृति को बदनाम मत करो, ऐसे बताना चाहते थे। हाँ, प्रकृति में क्रोध निकला तो उस टाइम मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं तो सबका जिंदगी बिगाड़, ऐसे नेगेटिविटी में मत जाओ, सेल्फ नेगेटिविटी मत जाओ। हाँ हो गया तो अभी शक्ति मांगो, हमारी कमियों के लिए शक्ति मांगो, जो प्रकृति प्रकृति बताती है, रिजल्ट है। जैसे नहीं बताया कि हिस्ट्री में 50 मार्क्स आए तो वीकनेस है, वीक है हमारा हिस्ट्री, तो हम थोड़ा ट्यूशन करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और दूसरी बार हम 75 से ऊपर परसेंट लाएंगे। तो दूसरी बार सुधारने के लिए हमें प्रकृति बताती है, वो समझना चाहिए कि ये गलती जो पहले हुई थी उसका परिणाम आया, अब हम गलती सुधारेंगे तो परिणाम बदल हो जाएगा। तो परिणाम को बदनाम नहीं करना है, मगर हम जागृति रखनी है, हमारी कमियों को सुधारना है, शक्तियों मांगनी है। नव कलम है वो शक्ति मांगते हैं, चरणनिधि में भी बहुत शक्तियाँ मांगी है, ताकि हम जागृति बढ़ेगी, शक्ति मांगने से हमारे नेगेटिव अभिप्राय गिर जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। आपका प्रश्न है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब प्रकृति है, इससे बाहर हमारी सोच नहीं होती, इस प्रकृति से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? आपने ज्ञान लिया है? Yes. नहीं लिया। ये प्रकृति एक चीज है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, और प्रकृति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है। प्रकृति का जो मालिक है, आप खुद क्या बोलते हैं, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सोचता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मुझे बिरा खराब विचार आते हैं, मुझे अच्छे बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार, यानी आप प्रकृति को खुद का स्वरूप मानते हो, मैं हूँ। यानी आपकी अज्ञानता के वजह से प्रकृति के साथ आप एक हो गए हो। वो प्रकृति गलत नहीं है, वो है रहने देने की, पर आप उसमें जो मिक्सचर हो गए हो उसमें आपको अलग करना है। यानी ज्ञान खुद कौन है उसकी पहचान करा देते हैं। यानी प्रकृति से ऊपर का ज्ञान है, मन बुद्धि चित अहंकार वाणी वर्तन शरीर इंद्रिय, सबसे ऊपर का ज्ञान, मगर किसको मिलता है? जो आप खुद हैं उसको ही। प्रकृति को यह ज्ञान देने की जरूरत नहीं, प्रकृति तो खुद ही डिस्चार्ज स्वरूप है, प्रकृति डिस्चार्ज स्वरूप है। और नए चार्ज जो होते थे वो इगोइज्म की वजह से, कि मैं ही धर्म हूँ और मैं करता हूँ, तो वो भाग वो पार्ट आपका सुधार देते हैं कि नहीं आप धर्म नहीं, धर्म तो शरीर का नाम है और आप खुद आत्मा हो, शुद्ध आत्मा। समझ में आता है ना? यानी प्रकृति रहेगी बाद में, वो प्रकृति दखल उसमें क्या, बुद्धि और अहंकार दखल करते थे, डिस्टर्ब करते थे, अभी बुद्धि अहंकार चले जाते हैं और आत्मा की जागृति में आते हो, तो प्रकृति सहज धीरे 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 खत्म होते जाएगी। नई प्रकृति चार्ज नहीं की तो आत्मा का मोक्ष हो जाता है। समझ में आया ना आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमारे ज्ञानियों ने हमें प्रकृति की समझ दी और सिखाया कि कैसे हम अहंकार और बुद्धि से बाहर निकलकर प्रकृति को सहज होते हुए देखें। ऐसे ही और प्राइसलेस चाबियां पाने के लिए हर रोज सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एडजस्ट एवरीवेयर। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय।